नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ पंकज जयसवाल, कॉमर्स एफआर ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन एजीएसयू तथा मारा द्वारा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स ना डीन प्रोफेसर केतन उपाध्याय सर और वाइस डीन डॉक्टर उमेश डांगरवाला सर ने आवेदनपत्र आप रजूआत करती थी। सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 3 की एक्सटर्नल परीक्षा 10 फेब्रुआरी से शुरू थानी है। परीक्षा ने आग लई जवा अमरा द्वारा रजूआत करती है और एक चिमकी आपती कि जो आ परीक्षा आग लई जा तो आज फैकल्टी है और यूनिवर्सिटी है त्या उग्र थी आंदोलन करतु फैकल्टी सत्ताधीशों द्वारा आज रोज जो निर्णय आप नकारी दीदों के परीक्षा आग लई जा अमरा द्वारा हाल में आंदोलन तो नहीं कराई शक कारण के कंक ने कंक मारी एम कॉमनी परीक्षा चाली रही है और साथ मारा साथी मित्रों से लोगों हाल में एम कॉमनी परीक्षा चाले है तो अमे अमरा परीक्षा में व्यस्त है। कंक ना कंक विद्यार्थियों की अमे हाथ जोड़ी माफी मांगी रहा है कारण कि एमनी लागण थी और एमनी मांग थी परीक्षा पाचड़ करवा अमे पाचड़ ना कराई सकता। घना बदा एवं लोग है कि जे लोग नहीं गमी रूत कि आ परीक्षा पाचड़ जाए एवं लोग तब नोंद लेजो विद्यार्थी मित्रों एक रिक्वेस्ट करूँ छूँ। साथ साथ एक बात आज मारा द्वारा डीन सर ने कहमी है कि जो तब 10 फेब्रुआरी परीक्षा लेवाना छो सेमेस्टर 3 ने तो एना पहला पहला तमे इंटरनल रिजल्ट जाहिर करो। सर्वप्रथम तो जो सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 3 ने जो परीक्षा थई हती एनु तमे सर्वप्रथम रिजल्ट जाहिर करी दो अने एना पछी तमे परीक्षा लो। जो 10 फेब्रुआरी थी परीक्षा लेवाना छो तो सर्वप्रथम तो तमे सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 3 इंटरनल परीक्षा नो रिजल्ट जाहिर करो। इंटरनल परीक्षा ने समाप्त थाय आज संपूर्ण रीते 40 थी पण वधारे दिवस थई गया छे। जारे टीवाई बीकॉम नो रिजल्ट आई गयो तो इंटरनल 35-40 दिवस थी अंदर तो सेकंड ईयर बीकॉम नो रिजल्ट केम हजु सुधी आव्यो नथी अने जो सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थी इंटरनल परीक्षा तब एक्सटर्नल परीक्षा पहला रिजल्ट जाहिर ना कर सकता हो तो परीक्षा लेवा कॉमर्स फैकल्टी तथा यूनिवर्सिटी ने कोईपण प्रकार हक नहीं। कंक ना कंक फैकल्टी सत्ताधीशों विद्यार्थियों ने जो मांग थी एने नकारी है। सीधी सीधी आना समय में जुवा जाइए तो जो सेमेस्टर 4 की एक्सटर्नल परीक्षा है जून जुलाई मस में थे तो अपना पास भरपूर समय था परंतु क्या कारणसर थी फैकल्टी द्वारा परीक्षा पाचड़ कर हजू कारण बनी रही है सामने नहीं आयु। विद्यार्थी मित्रों से हूँ विद्यार्थी मित्रों समक्ष हूँ माफी मांगू छूँ। बनी सके तो आप माफ पण करजो। कंक ना कंक मारी एग्जाम कारण मारी व्यवस्था कारण हूँ जे आ आंदोलन हो फैकल्टी में ना कर सको। घना विद्यार्थी मित्रों लगत हे कि पंकज जयसवाल और ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन एजीएसयू द्वारा आंदोलन केम नहीं कर तो आ एक कारण थूँ कारण कि आज मारूँ सेकंड पेपर फिनिश थे आती का थर्ड पेपर है। कंक ना कंक आ सीच्युएसन जी ए मार बहुत डिफिकल्ट कारण हूँ जो है आप सर्व विद्यार्थी लड़ी ना सकते परंतु जे परीक्षा थवानी है यहाँ पहला पहला जो सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 3 नो रिजल्ट तमे जाहिर कर देता हो तो तमे 10 फेब्रुआरी थी परीक्षा लो और जो तमे रिजल्ट जाहिर ना करता हो तो हूँ खरेखर कहूँ छूँ कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार और यूनिवर्सिटी वीसी सर पर नोंद ले कि इंटरनल परीक्षा रिजल्ट वगर तमे एक्सटर्नल परीक्षा कई रीते लई सको। 7,500-8,000 जेटला विद्यार्थी है कि जे लोग आ सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 3 की परीक्षा आपसे आ परीक्षा पहला जो तमे इंटरनल परीक्षा परिणाम जाहिर करो तो विद्यार्थियों ने खबर पड़ से कि एटलीस्ट ए लोग ने क्या विषय में कितना मार्क्स लावाना है पास थवा माटे कारण कि हाल की सिचुएशन है जो परिस्थिति है बहुत डिफिकल्ट है। विद्यार्थियों जेम तेम कर अभ्यास करते और परीक्षा आपसे परंतु हूँ कहवा माँगु छूँ विद्यार्थियों ने तमे हिम्मत राखजो सारी रीते तमे प्रिपरेशन करजो। ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन एजीएसयू तमारा साथे छे परीक्षा में जेपन बनती कोशिश जेपन बनती मदद हशे हूँ पंकज जयसवाल तथा ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन आप सर्व ने करीशुं। आज स्पष्ट रूपे बीजी एक मांग करवामां आवी छे कॉमर्स फेकल्टी डीन समक्ष के सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 3 इंटरनल परीक्षा जो रिजल्ट है ये तमे 24 कलाकनी अंदर जाहिर करो नहीं तो पछी एसवाय बीकॉम सेमेस्टर 3 जो परीक्षा है मौकूफ करो कारण कि तमे रिजल्ट ना आपी सकता हो तो परीक्षा क्या बेस पर लो छो। जो सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 3 की परीक्षा आ जाए परीक्षा जो रिजल्ट है आ जाए तो तुम सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 3 की एक्सटर्नल परीक्षा लई सको एम अमने कोईपण वांधो नहीं। आना समय में जेपन अपडेट हे हूँ पंकज जयसवाल तथा ऑल गुजरात स्टेशन एजीएस द्वारा आप सर्व विद्यार्थी मित्रों ने आप। नमस्कार।